ब्रेक परे आपनको स्वागत। रायगड़ा तयापुट घाटी रे भारसाम्य हराई ओलटी पड़ा बस। कटकु काशीपुर जाउथबा सारला बस ओलटी पड़िबार 20 जन यात्री आहत होती। 5 जन गुरुतर आहत को रायगड़ा मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायतिबा बेले 10 जन को टिकरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे चिकित्सा पाई भर्ती करा जायछे। अन्य 5 जन सामान्य मध्य आहत होइतिबार सूचना आसीछि। पुनी थरे चर्चा भितर को रायगड़ा, पुनी थरे दुर्घटना को नै वर्तमान रायगड़ा खबर रो शिरोनामा रे। निकट अतीत रे कई दिन मध्य बितिराई रायगड़ा स्टेशन ठारु मात्र कई किलोमीटर दूर रे ट्रेन दुर्घटना, मर्मंतुद ट्रेन दुर्घटना होता जो थे 41 जन परवर्ती समय आउ जन शब मिलता। तो मोट 41 जन मृत्यु घटी और अनेक आहत होते। से घटना रायगड़ावासी मनु एपर्यंत से घटनार स्मृति जाए, से घटना आदौ लिभिना कहुपरि एवं भी ताजा अच्छी। आउ एक दुर्घटना, ये दुर्घटन 20 जन यात्री दुर्घटना सम्मुखीन होती, जो मैंने किसी मात्र सामान्य आहत होती कितु 5 जन अवस्था अत्यंत गुरुतर कहुपर से रायगड़ा मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कर 10 जन अवस्था सामान्यतम गुरुतर रही, जो मानक टिकिरी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर मोट उपर जी देखा तेल कहपर जे दुर्घटना गोटे रायगड़ा जिले में परवर्त समय देखा गोटे पर गोटे जो संघटित हो तो चिंता बढ़ुची प्रकृत में कहीं दुर्घटना घटुच्छ। प्रकृत में किसी ट्राफिक जनित त्रुटि रोचे ना असावधानता बढ़ी जाऊँगी कहपर और रायगड़ा जिले में दुर्घटना को लेकिन लोक मैंने चिंतित और प्रशासन से तत्परता प्रकाश कर आवश्यकता रही। प्रकृत में सब दिग को तर्जमा कर आवश्यकता रही, से रेलवाई हो सड़क पथर पर हो सब दिग को तर्जमा कर प्रकृत में किसी भूल त्रुटि रही जा कि एमती आवश्यकता रोचे कि प्रकृत में आहरी सजग हबार आहरी अधिक सवधान हबार किभली भाव एभली दुर्घटन अंत लोक मानक सुरक्षित भाव रखा जापर और दुर्घटन बर्ती जापारे ये सब दिग निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण। कितु ये जहाँ घटना घटी तयापुट घाटी में भारसाम्य हर ओलटी पड़ा बस, तेणु भारसाम्य हर पचर कारण गुरुत्वपूर्ण से दिग्क तर्जमा करने पड़ो। प्रकृत में बस फिटनेस कथ उठू असावधानतावशत गाड़ी चालना कथ उठू सब कथ को तर्जमा कले ही स्पष्ट हो पारा जो प्रकृत में कौ कारण को लेकिन बस टी भारसाम्य हर पशा उल्टी पड़ा। निकट अतीत आउ गोटे घटना घटी जदि रायगढ़ नुहे भुवनेश्वर निकटस्थ धौली पहाड़ जिते बड़े पिकनिक क्षमा करेंगे जातवाई बस फेरुला जो पर्यटक मानक नहीं बस टी फेरुला से ब्रेक फेल होगा कहगला और भारसाम्य बस टी ओलटी पड़ा से चारजण मृत्यु भाई सूचना आसूला। तो मोट पर देखिए पूरा घटनाटी निश्चित भाव संवेदनशील से बर्तमान ये घटना को देखा तेज़े निश्चित भाव कहपर कारण कौन रही है तर्जमा करने को पड़ो। अधिक अपडेट नाक आम प्रतिनिधि गोपरंजन बक्षीपात्र बर्तन लाइन में उस्थित अच्छा। गोपरंजन कौन अधिक सूचना आसूची ए बाबद रायगड़ा जो बस टी ओल्टी पड़ा तार कौन कारण रही प्रकृत में दुर्घटना पचर कारण टी कौन आकलन कर। देखो आज सका प्राय 8 बेले तयापुट घाटी जोटा टिकिरी थाना अधीन आठ जो सारा बस टी दुर्घटनाग्रस्त होती 20 जन यात्री आहत होती से 5 जन अवस्था गुरुतर रही। 5 जन को रायगड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करतीत आउ 10 जन को टिकिरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर चिकित्सा चली। तेज दुर्घटनार कारण हूँ बस टी जाऊला रायगड़ काशीपुर अभिमुखे कटक रु आसी रायगड़ा दी काशीपुर जाऊला तयापुट घाटी में गोटे चाउल बोझे ट्रक ट्रक को साइड देवा जाए भारसाम्य हर बस टी रास्ता कड़ को ओल्टी पड़ा फल गाड़ी बस रे जो 27 जन जाती थे 27 जन मध्य 20 जन आहत होते। ओके मोट पारे कहपर संकीर्ण रास्ता भितर एक ट्रक जोटा रही कि चाउल बोझे ट्रक ताकू साइड दबाकू जाके बस टी भारसाम्य हर बसला और बस टी ओल्टी पड़ा फल 20 जन यात्री आहत होती। से 5 जन अवस्था गुरुतर 10 जन सामान्यतम गुरुतर अवस्था से चिकित्सा चली। ए बाबद आउ किसी सूचना मिल पारे कि आहत मान कि अधिक रु अधिक चिकित्सा जोगे दि जापर और जो 5 जन अवस्था संकटापन्न रही अधिक सुविधा किभली जोगे दि जापर जिला प्रशासन पक्ष कौन उद्यम कर। देखो से जो 5 जन अवस्था जो गुरुतर रही रायगड़ा एवं टिकिरी 108 आंबुलांस जगे जिला मुख्य चिकित्सालय को अणाई से जिला मुख्य चिकित्सालय 5 रु 10 मिनिट भितर पहुंचे से पहुंचा पर संपूर्ण अवस्था जना पड़ यापर जदि आवश्यक हुए तेज ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजीए मेडिकल कॉलेज
କିମ୍ବା ବିଶାଖାପାଟନମ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ରେଫରାଲ ମେଡିକାଲ ଅଛି ସେ ରେଫରାଲ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଆହତମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ବଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋପରଞ୍ଜନ ତାହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛି ଆହତମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କିଭଳି ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଗୋପରଞ୍ଜନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଆହତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତେଣୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସୋରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ ଲିଭିନି ତଥାପି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋପରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଧହୁଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁ ଦୋହରାଉଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ ହେଉ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭୟ କାହିଁକି ସଞ୍ଚାର ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କିଛି ଅନ୍ତତଃ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିପଦଠାରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ